चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल का आइकन है प्लीज आप इसे जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नम्रता चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्रेस्ट को सही सुडौल और सुंदर बना सकते हैं। कैसे भी आपकी प्रॉब्लम हो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली सामग्री यहाँ पे हमने ली है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो करीबन हम एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे। अगर आपको ताज़ा एलोवेरा मिल जाए तो उसमें से जेल निकाल लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों, एलोवेरा में विटामिन ए, बी, सी और ई के साथ साथ ढेर सारे मिनरल्स जैसे कॉपर, जिंक और पोटेशियम होते हैं। ये सभी विटामिन्स और मिनरल्स ब्रेस्ट को सेव देने में मददगार होते हैं। अब हम दूसरी सामग्री लेंगे, वो है दोस्तों गुलाब जल। गुलाब जल त्वचा को साफ करने के साथ ही अपने एंटी बैक्टीरियल गुण से संक्रमण भी दूर करता है। ये त्वचा पर मौजूद धूल मिट्टी और दूसरी अशुद्धियों को साफ करता है, यानी कि आपके रोम छिद्रों को अच्छे से क्लीन करेगा, साफ करेगा, ताकि आप जो ये जेल वगैरह यूज करेंगे, जब ये क्रीम यूज करेंगे तो ये अच्छे से आपको फ़ायदा दे सके। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे, यानी कि गुलाब जल और एलोवेरा जेल। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा गजब का नुस्खा है। आप बस इसको ट्राई करना और रिजल्ट आपको मात्र 4 दिन में ही दिख जाएगा। तो चलिए अब इसमें तीसरी सामग्री हमें क्या डालनी है, ये है दोस्तों आलमंड ऑयल। तो दोस्तों, आप इसकी जगह पर जो बादाम रोगन तेल आता है मार्केट में 150 रुपये की छोटी सीसी आती है, वो ले लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने आपको ये वाला तेल दिखा दिया है वीडियो में, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। तो इस तेल का हम करीबन 1 चम्मच ले लेंगे। बादाम का तेल आपके ब्रेस्ट की कोशिकाओं को विकसित करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। अब आप क्या करें, इन तीनों सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करें ताकि ये एक क्रीम टाइप से तैयार हो जाए। मैं यहाँ डेमो देने के लिए थोड़ी सी क्रीम बना रही हूँ, आप थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लें और ज़्यादा बना करके एक डिब्बी में, एयर टाइट डिब्बी में भर करके आप इसको रख दीजिए। आप इसको आराम से 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्रीम बन करके तैयार हो गई है। दोस्तों, ये नुस्खा आपके ब्रेस्ट का आकार सही करेगा, सुंदर और सुडौल बनाएगा। तो चलिए, इसको आप लगाएंगे कैसे। इस क्रीम का आप यूज करें सोने से पहले। सोने से पहले आप इस क्रीम से मसाज करिए करीबन 15 मिनट। 15 मिनट आप मसाज करेंगे तो 4 दिन में आपको रिजल्ट खुद नज़र आ जाएगा। और इससे आपको लगातार 1 महीने तक मसाज करना है। 1 महीने तक आपने लगातार मसाज कर लिया रात में सोने से पहले, तो आप देखेंगे आपके ब्रेस्ट सुंदर, सुडौल और आकार अच्छा हो जाएगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आप इस क्रीम से 15 मिनट मसाज करिए। मसाज करने के बाद में इस क्रीम को ऐसे ही लगा रहने दीजिए और आप सो जाइए। सुबह उठकर आप इसको गुनगुने पानी से साफ कर लें। आप खुद ही देखना, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप जैसे मन चाहे आप सेव दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, मैंने एक चैनल और बनाया है, नम्रता किचन हिंदी चैनल का नाम है। तो उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे रेसिपी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपको वीडियो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ, रेसिपी वाली वीडियो। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।